नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। केजरीवाल बोले, जेल जाने से क्यों डर रहे हैं सोमनाथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वरिष्ठ आप नेता और दिल्ली के पूर्व गृह मंत्री सोमनाथ भारती को पुलिस के आगे सरेंडर करने की सलाह दी। उन्होंने सोमनाथ से सवाल किया कि वे जेल जाने से क्यों डर रहे हैं। केजरीवाल ने आज सुबह ट्वीट कर कहा कि सोमनाथ को सरेंडर कर देना चाहिए, वह क्यों भाग रहे हैं, उन्हें जेल जाने से क्यों डर लग रहा है, अब वह पार्टी और परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन रहे हैं। केजरीवाल ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि सोमनाथ को पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए। राजस्थान में आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण। राजस्थान विधानसभा ने राज्य में आर्थिक पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग विधेयक 2015 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पास होने के बाद अनारक्षित वर्ग के आर्थिक पिछड़ों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 14% आरक्षण मिलेगा। बिल पास होने से राजस्थान में 67% आरक्षण हो गया है। इसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित आरक्षण की 50% लिमिट पार हो गई है। गुर्जर सहित 4 जातियों को 5% आरक्षण के लिए विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक पारित हुआ। वहीं गरीब सवर्णों को 14% आरक्षण देने के लिए आर्थिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक भी बिना बहस के पारित कर दिया गया। सम्मेलन में भाग लेने अमेरिका गए राहुल गांधी। कांग्रेस ने पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के फिर से छुट्टी पर जाने संबंधी अफवाह को खारिज करते हुए कहा कि वह एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका गए हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिका के आस्पेन में एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए संक्षिप्त यात्रा पर गए हैं। सम्मेलन में सरकार और निजी क्षेत्रों के विभिन्न वैश्विक नेताओं के हिस्सा लेने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने सम्मेलन की तारीख या यात्रा की अवधि के बारे में जानकारी नहीं दी। इस साल की शुरुआत में राहुल 56 दिन की छुट्टी पर विदेश गए थे, जब संसद का बजट सत्र शुरू हुआ था। उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा और अटकलें लगाई गई थी।